हसीरमैन टोल से आ रही है खबर, टोल कर्मी की करंट लगने से हुई मौत, परिजन भड़के। सबको लेकर सिविल अस्पताल में परिजन पहुंच चुके हैं और आपको यही बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और परिजनों ने साफ तौर पर टोल के मैनेजर के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की मांग की है और परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक टोल के मैनेजर के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मृतक का हम संस्कार नहीं करेंगे। और आपको यही बता दें पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय जो अपडेट आ रही है कि रिमांड टोल पर एक युवक की मौत हो गई है करंट लगने से, उसको लेकर परिजन यहाँ मौके पर आए और सिविल अस्पताल में डेड बॉडी ला रखी है और उसके बाद क्या कहना है परिजनों को, उसको लेकर हम परिजनों से बातचीत करेंगे। जानना है कि सर क्या नाम है आपका? अनिल नाम है सर। तो किस प्रकार हुई है? सर ये लड़का जो हमारा है रिश्तेदार है, ये यहाँ पे टोल पे काम करता था और ये टोल के लापरवाही के कारण सर इसका ये हादसा हुआ है, इनको करंट लग गया है। तो क्या नाम था उसका? सोनू नाम था सर। तो कितनी उम्र है? 21 साल उम्र है जी। तो क्या चाहते हो आप? मुकदमा दर्ज हो के और उसकी गिरफ्तारी हो प्रबंधक की, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो क्या करोगे? आंदोलन करेंगे, डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, कंपनी के गेट के आगे रखेंगे डेड बॉडी को। तो फिलहाल कोई कंपनी की तरफ से मैसेज आया जी? कोई मैसेज नहीं आया। तो आओ जी दो मिनट। हाँ जी क्या कहो कुलदीप जी? हम तो यही कहेंगे भाई, जो भाई था इसका पूरा तो इसकी जो मांग हो वह पूरी होनी चाहिए और इतना हमारा जो संगठन है इनका पूरा ठोक के साथ देगा, ये भाई जाए दिन चाहे एक भी ना लायक जो हम इनके साथ। तो वगैरह कोई मौजूद वगैरह की किसी प्रकार की बात की गई है? मुआवजा तो जो है कंपनसेशन क्या बनता है लेबर कोर्ट डिसाइड करेगा, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की अलग मांग है और मुआवजा की जो है वो हम ये बात करेंगे लेबर डिपार्टमेंट से कि एक मजदूर का इतनी उम्र के बाद डेथ होने के बाद कंपनी में कार्यरत था ये, तब हम वो कर रहे हैं कि उसका जो कंपनसेशन बनता है जो भी मुआवजा उचित मुआवजा सरकार ने जो तय कर रखा है वो हम लेंगे। यहाँ से डेथ बॉडी उठाकर अंकल जी आपके आगे की क्या रणनीति है, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, किस तरह से आप आगे ये कोई वो तो मालिक पे और जिला का जो पुलिस प्रशासन है उन पे निर्भर करता है, अगर पुलिस प्रशासन इनको जल्दी गिरफ्तार कर लेता है तो फिर हम डेड बॉडी उठा लेंगे, अगर गिरफ्तार नहीं करता है तो हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। इस समय की अपडेट ये यार ये है कि टोल प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जो मैनेजर है उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, इतना ही नहीं इतना इन्होंने साफ तौर पर परिजनों ने कह दिया जब तक उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होगा गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे चुप बैठने वाले नहीं है और ये बताया जा रहा है कि डेड बॉडी को अब टोल पर ले जाने वाले हैं और पुलिस प्रशासन मौके पर हमसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या लग रहा है जी आपको? जी क्या लग रहा है जी? कंप्लेंट दी है जी, अभी कार्रवाई करेंगे। तो किसके खिलाफ करोगे जी? कोई नाम तो लिखा नहीं है कंप्लेंट में। तो ये टोल प्रबंधक के बारे में कह रही है? हाँ, टोल प्लाजा की घटना बताई है। तो कैसे मौत हुई जी? अभी तफ्तीश करांगे, जांच करांगे, इन अपने आग भाई हम आए जब उस टाइम पे इसकी डेड बॉडी मिली रहे हत्या का। मैं यशपाल सैनी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार चेयरमैन नगर परिषद हांसी, आज 1/1/2022 की पावन बेला पर सभी नगरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को तथा देशवासियों को मैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से शुभ कामनाएं मंगल कामनाएं देता हूं और भगवान से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हंसी शहर के लिए, प्रांत के लिए, देश के लिए हर्ष उल्लास उमंग और तरंग से भरा हो। भगवान ना करे आपके जीवन में कभी कष्ट और दुखों का सामना हो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। धन्यवाद। जय हिंद।